एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूनिट 5। हम यूनिट 4 ना ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। सो यूनिट 5 में आज हम राजा राव्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले ये MEG 7 है एंड ब्लॉक 3 है। चलो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में ये बताया हुआ है कि एवरी नॉवल इज बिल्ट अराउंड अ प्लॉट विच इज सम एक्शन इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब किसी भी नावल में प्लॉट तो होता ही है और उस प्लॉट में कुछ एक्शंस होते हैं जो कि कुछ कैरेक्टर्स करते हैं। इन द फर्स्ट 4 यूनिट्स ऑफ दिस ब्लॉक वी हैव गिवन यू इन्फॉर्मेशन ऑन द बैकग्राउंड थीम स्ट्रक्चर लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ कांतापुरा। अब ये चीज़ें तो हम कर चुके हैं। जब बैकग्राउंड हमने पढ़ लिया, थीम्स पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, लैंग्वेज पढ़ लिया एंड स्टाइल पढ़ लिया कांतापुरा का। What remains is an analysis of the characters involved in the action of the novel. तो बाद में क्या बचता है? Analysis of the character बचता है। So in the final unit we shall study a general idea of Raja Rao's art of characterization in the novel. Art of characterization अब हम पढ़ेंगे इस वाले यूनिट में। To illustrate that art we examine the मतलब इस आर्ट को पढ़ने के लिए इस बुक में इस आर्ट को पढ़ने के लिए क्या तरीका है। वी एग्जामिन द सेंट्रल फिगर ऑफ मूर्ति। सबसे पहले हम मूर्ति की सेंट्रल फिगर पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस एंड उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़े हैं दूसरे कैरेक्टर्स पे। और हम ये भी पढ़ेंगे कि उसकी स्पेशल सिग्निफिकेंस क्या है इस वाले नावल में। स्पेशल वुमेन जो करेक्टर्स दिए हुए हैं उनके स्पेशल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है इसमें वुमेन करेक्टर की। बिकॉज जो स्टोरी है वो तो वुमेन ही नरेट कर रही है। ओके, इसमें कुछ हम अदर इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स जो हैं, 3 और भी इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ राजा राव्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन कांथापुरा। Everything in Kanthapura proceeds from the point of view of Achakka, the narrator of the novel, whether it be the story of the village or the political struggle in which the villagers get involved. पूरी जो सब कुछ जो Kanthapura में हो रहा है वो Achakka जो है उसके point of view से हो रहा है, क्योंकि वही story सुना रही है, वही narrator है। चाहे story हो village की या political struggle हो जिसमें कि यहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल है ना विलेज में, तो ये सब कुछ अचक्का ही सुना रही है। द करेक्टर्स टू आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ व्यू। करेक्टर्स भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है प्रोजेक्ट दिखाए गए हैं, मीन्स पॉलिटिकल स्ट्रगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिखाए गए हैं। सिंस अचक्का इज अ रिस्पेक्टेबल ग्रैंड मदर ऑफ द विलेज, मोस्ट ऑफ द मेन करेक्टर्स ऑफ द नॉवल आर पर्सनली नोन टू हर। अच्छा, इसमें एक और पीछे वाली लाइन में एक और है, जैसे कि पॉलिटिकल जो स्ट्रगल गांव में हो रही है ना उसके हिसाब से करेक्टर्स को बताया गया है। ये नहीं है उनका कोई और करेक्टरिस्टिक ले लिया या कोई और ले लिया, पॉलिटिकल स्ट्रगल में उनका क्या पार्ट है ये बताया गया है। ओके, नाउ सिंस अचक्का इज अ रिस्पेक्टेबल ग्रैंड मदर ऑफ द विलेज, मोस्ट ऑफ द मेन करेक्टर्स ऑफ द नॉवल आर पर्सनली नोन टू हर एंड शी ट्रीट्स दैम एज हर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। अब अचक्का जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल ग्रैंड मदर है गाँव की, और उनके जो मेन करेक्टर है ना इस नावल के, उनको वो जानती है और उनको अपने बच्चों की तरह या ग्रैंड चिल्ड्रन की तरह उनको वो ट्रीट कर रही है। शी लव्स टू डिस्क्राइब दैम इन फैमिलियर टर्म्स एंड हैज़ अ हैबिट ऑफ गिविंग देयर फैमिली एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग देम टू द रीडर। और वो कैसे बता रही है उनको, बहुत उसको बहुत मतलब जो अचक्का है, अचक्का को बहुत अच्छा लग रहा है उनको डिस्क्राइब करना फैमिलियर टर्म्स में, मतलब बहुत ही ऐसे बहुत ही फॉर्मल नहीं है, फैमिलियर टर्म में वो डिस्क्राइब कर रही है उनको और उनका फैमिली बैकग्राउंड एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है ये भी वो बता रही है रीडर को। राजा राव हिमसेल्फ हैज़ नो अपॉर्चुनिटी टू मेक डायरेक्ट कमेंट्स ऑन एनी ऑफ हिज करेक्टर्स एज कांतापुरा इज द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। और राजा राव जो है वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है जो करेक्टर्स हैं कांतापुरा में
इसमें जो करेक्टर्स बताए जा रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, मीन्स आई आई करके जो है वो बताया जा रहा है, अचक्का ही बता रही है सब कुछ। वट एवर ही वुड लाइक टू से अबाउट अ पर्सन इज पुट इन द माउथ ऑफ अचक्का, वो जो भी बोलना चाहते हैं ना वो अचक्का के मुंह में डाल देते हैं, मतलब अचक्का के द्वारा ही सब कुछ बताया जा रहा है। हाउ एवर देर आर ओकेजन्स वेन द करेक्टर्स मेक कमेंट्स ऑन ईच अदर एंड दे रिवील देमसेल्व थ्रू देयर एक्शंस एज रिपोर्टेड बाय अचक्का। हाउ एवर जबकि जो कुछ ऐसे समय भी हैं जब करेक्टर जो हैं एक दूसरे पर कमेंट करते हैं, और अचक्का जो है वो ये बता रही है, उनके एक्शंस के थ्रू बता रही है कि उसने इसको ऐसा बोला, उसने उसको ऐसा बोला। द करेक्टर्स इन कांतापुरा आर द विलेजर्स हु हैव लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ द सिटी लाइफ। दे आर शोन टू बी नॉट हाईली एजुकेटेड, नॉट वेरी कनिंग, बट मोस्टली इनोसेंट, सिंपल एंड ट्रूथफुल पीपल। इसमें अब बताया गया है इस वाले पैराग्राफ में कि उनके कैसे लोग हैं वो, प्रेयर, वर्शिप, रिलीजियस प्रैक्टिसेस सम अप द वे ऑफ लाइफ फॉर देम। दैट इज़ द रीज़न हाउ देयर लीडर्स फाइंड इट इजी टू टेक देम टूवर्ड्स द पॉलिटिक्स बाय द पाथ ऑफ द रिलीजन। अब वो इतने सीधे साधे लोग हैं ना कि उनको उनके जो लीडर्स हैं, जो हरिकथा मैन है या जो मूर्ति है, वो उसको बहुत ईजी हो गया उनको डाइवर्ट करना रिलीजियस पाथ से पॉलिटिक्स की तरफ। वाइल द ब्लाइंड फेथ इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट, इट हैज़ अ नेगेटिव साइड इन मेकिंग दैम सुपरस्टिशियस एंड रिलक्टेंट टू गिव अप ट्रेडिशन। तो वो जो है ना, ब्लाइंड फेथ है उनको रिलीजन पर या किसी भी चीज़ पर ब्लाइंड फेथ है, तो इसकी नेगेटिव साइड भी है, उस वजह से वो सुपरस्टिशियस भी हो गए हैं, और किसी ट्रेडिशन को छोड़ना जो है ना उनके लिए अब इजी नहीं है, तो वो एक तरह से स्टॉन्च, एक तरह से ऐसे हो गए हैं कि हाँ इसी चीज़ को मानना है। इन द फेस ऑफ एन अपील टू गिव अप ओल्ड हैबिट्स एंड कस्टम्स, दे आर लाइकली टू बी अनरीजनेबल एंड हेडस्ट्रॉन्ग। ह्यूमन नेचर बींग सच एज वेरिएबल थिंग, द कांथापुरा कम्युनिटी हैज़ इट्स कोटा ऑफ गुड एंड एविल एविल फिगर्स। ओके, अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों हैं। टू कॉन्ट्रास्ट द गुडनेस एंड नोबिलिटी ऑफ मूर्ति, रंगाराम, रत्ना एंड अदर, देर आर एविल करेक्टर्स लाइक भट्टा एंड वाटरफॉल वेनकम्मा। दो करेक्टर्स इसमें बुरे बताए गए हैं। द लेटर इन पर्टिकुलर हैज़ अ विशियस टंग, जो वाटरफॉल वेनकम्मा है उसकी बहुत ही काली जुबान है, विशियस, बहुत ही बुरा बोलती है वो। वट इज़ केपेबल ऑफ टर्निंग अगेंस्ट इट्स विक्टिम्स लाइक अ वाटरफॉल ऑफ मेलिशियस वर्ड्स। तो एक वाटरफॉल में कम्मा इसलिए वैन कम्मा इसलिए बताया गया है क्योंकि वो इतना ज़्यादा गलत बोलती है ना लोगों के लिए, वाटरफॉल की तरह है, मतलब उगलती ही रहती है, जहर उगलती ही रहती है। बट इन द अल्टीमेट एनालिसिस शी इज़ नॉट ऑल दैट बैड, अल्टीमेटली बोला जाए तो वो इतनी बुरी नहीं है। एज फॉर द पुलिस मैन बड़े खान, ही इज़ एविल इनकारनेशन। जैसे कि बड़े खान को वो क्या बोलती है कि वो एविल इनकारनेशन है, बुरा अवतार है। नाउ किया राव हैज़ दिस टू से अबाउट राजा राव्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन कांतापुरा। किया राव क्या बोलते हैं, इन ड्राइंग हिज पीपल राजा राव मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअलिटी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव नेचर। देर इज़ नो डिकॉटमी बिटवीन पीपल, मतलब दो हिस्सों में नहीं बांटा गया है, बट रादर अ फ्यूजन ऑफ ऑल ह्यूमन डिफरेंशियल्स इन टू द स्टेडी फ्लो ऑफ अ सिंगल रेशियल पर्सनैलिटी। मतलब एक ही सिंगल पर्सनैलिटी में, जैसे कि हमने वेनकम्मा की बात की, तो उसमें दोनों चीज़ें हैं, अच्छा भी है और बुरा भी है। ऐसा नहीं है कि आधे लोगों को अच्छा बता दिया, आधे लोगों को बुरा बता दिया। हाँ वैसे ही होता है ना, कोई आदमी इतना बुरा थोड़े ना होता है। राजा राव प्रेजेंट्स हिज करेक्टर्स एज शेयरिंग अ कॉमन नेचर, देयर ब्रॉड एक्सेप्टेंस इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंडिया। राजा राव जो है वो अपने जो करेक्टर्स बता रहे हैं वो कॉमन नेचर बता रहे हैं, है ना। बट द ब्रिटिश राइटर ई एम फॉस्टर फेल्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द नेशनल करेक्टर ऑफ इंडिया इज क्लियर एज डे लाइट टू राजा राव, एंड ही प्रोजेक्ट्स हिज अंडरस्टैंडिंग थ्रू हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द करेक्टर इन कांथापुरा। ही डजंट एम्फेसाइज देयर इंडिविजुअल ट्रेट बट प्रेजेंट्स देम एज अ ग्रुप विद कॉमन इनहेरिटेड ट्रेडिशंस एंड कॉमन गोल्स। राजा राव की ये बात हो रही है। मूर्ति इन स्पाइट ऑफ हिज रेवोल्यूशनरी जील कैन नॉट टोटली कट हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम द ट्रेडिशन एंड कॉमन बिलीफ। एक साधारण से आदमी की बात बताई गई है एक्चुअली, ये जैसे कि मूर्ति है ना,
बहुत रिवोल्यूशनरी है, लेकिन वो फिर भी अपने कास्टिज्म को नहीं छोड़ पाता है, उसका हाथ कांपता है जब वो लोअर कास्ट में जाके वहाँ पे दूध पीना उसको टम्बलर दिया जाता है, उसका हाथ कांपने लग जाता है। फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, ही टेक्स अप द कॉज फॉर कॉज ऑफ द अनटचेबल्स, बट इज स्टिल बीसेट बाय डाउट इफ ही इज डूइंग द राइट थिंग बाय मिक्सिंग विद देम, उसको डाउट है। सिमिलरली भट्टा इज नॉट डिपिक्टेड एज अ पर्सन हु इज ऑल बैड, भट्टा जो है वो पूरी तरह से बुरा आदमी नहीं है। सम ऑफ द विलेजर्स कंसिडर हिम टू बी फाइन फेलो, वन हैज़ टू कंसिडर हिम इन द जनरल परस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन नेचर दैट राजा राव प्रेजेंट इन कांतापुरा। ही मेक्स अस लुक एट द रेड मैन द मास्टर ऑफ स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट नॉट इन एंगर बट फ्रॉम अ ह्यूमरस एंड आयरोनिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें जब वो रेड मैन की बात बताता है भट्टा, तो हमें ये पता चलता है कि वो गुस्से से नहीं बता रहा है उनके बारे में, गुस्से से बात नहीं कर रहा है उनके बारे में, वो ह्यूमरस और आयरोनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। एनी अदर राइटर वुड हैव प्रेजेंटेड महात्मा गांधी एज अ सुपर ह्यूमन फिगर, अनअप्रोचेबल एंड बियॉन्ड क्रिटिसिज्म। किसी और की बात करें, किसी और राइटर की, तो ये तीन चीज़ें बताई गई कि सुपर ह्यूमन है, अनअप्रोचेबल है एंड बियॉन्ड क्रिटिसिज्म है। जया रामाचार द हरिकथा मैन डज प्रोजेक्ट हिम एज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, बट द विलेजर्स ऑफ कांतापुर आर नॉट ओवरऑड बाय दिस, मतलब उनको बहुत आश्चर्य नहीं होता ये सुन के कि वो लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं। दे रिस्पेक्ट गांधी फॉर हिज टीचिंग्स, लीडरशिप एंड फीलिंग फॉर द डाउन ट्रोडन, बट ही डजेंट प्रिवेंट सम ऑफ देम फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग हिम एंड इवन टॉकिंग इल ऑफ हिम। मतलब महात्मा गांधी की भी बुराई की जाती है। राजा राव्स विलेजर्स आर प्रैक्टिकल मैन एंड वुमेन, ये बड़ी अच्छी बात है इसमें कि वो प्रैक्टिकल मैन एंड वुमेन है, ये हमें पॉइंट याद रखना है। वेन द रेपरकशंस ऑफ सत्याग्रह हर्ट देम, दे ब्लेम इट ऑन गांधी। मूर्तिज रेपरकशंस मीन्स साइड इफेक्ट्स, है ना। मूर्तिज मदर डजेंट हेजिटेट टू कर्स गांधी फॉर इन्फ्लुएंसिंग हर सन टू मिंगल विद द परियाज। दिस इज दैट इज अगेन ह्यूमन ह्यूमन नेचर तो है ही ना ये, कि वो मदर बुराई कर रही है। दिस इज अगेन ह्यूमन नेचर, अ मदर्स परस्पेक्टिव इंस्टिंक्ट टू सी हर सन प्रॉस्परिंग इन सोसाइटी एंड नॉट बींग ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट। वो नहीं चाहती है कि मूर्ति जो है वो डिफरेंट कास्ट में जाके बात करे। इन कांथापुरा राजा राव प्रेजेंट्स लाइफ ऑफ अ स्मॉल विलेज कम्युनिटी एट टाइम्स ऑफ चेंज एंड टर्मोइल। दिस अच्छा इसमें जो है ना, पहले जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उन्होंने जो साथ दिया लोगों ने, फिर उसके बाद वो कैसे कैसे मिंगल हो गए, ये सब कुछ बताया गया है। और एक आदमी के बारे में बताया गया है कि वो ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है, वो प्रैक्टिकल है, ठीक है। कभी वो अच्छा है, किसी के बारे में अच्छा बोलता है, कभी वो किसी के बारे में बुरा बोलता है। सो दिस कम्युनिटी शेयर्स द सेम ट्रेडिशंस, वैल्यूज, बिलीव्स एंड वेज ऑफ लाइफ, हेंस देयर रिएक्शंस टू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ टेंड टू बी प्रेडिक्टेबल। वेन वी विजुअलाइज वन ऑफ देम, वी विजुअलाइज ऑल, येट सच इज द वेराइटी ऑफ ह्यूमन नेचर दैट राजा राव आइडेंटिफाइज इंडिविजुअल्स थ्रू फाइन शेड्स ऑफ डिफरेंस। फॉर इंस्टांस देर इज लिटल इन कॉमन बिटवीन मूर्ति, हाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो कि कॉमन है, जैसे मूर्ति, रंगे गौड़ा, भट्टा एज इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स, उनमें कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं। दे आर कॉन्ट्रास्टेड विद पुअर एंड द डाउन रोडर। अपार्ट फ्रॉम डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, राजा राव ऑल्सो हाईलाइट्स डिस्टिंक्शंस ऑफ क्लास। कास्ट की तो डिस्टिंक्शन है, क्लास की डिस्टिंक्शन भी बताई गई है। के आर राव राइटली इंक्लूड्स द ह्यूमिलिएशन ऑफ द पुअर एंड द आउटरेज ऑफ द हेल्पलेस आर फ्रिक्वेंटली कॉन्ट्रास्टेड विद वल्गैरिटी एंड कोर्सनेस ऑफ द प्राउड एंड द इनडिफरेंट। The amazing chivalry of some is set beside the disturbing cupidity of others. The beautiful valor of some women is contrasted with banal opportunity of others. Okay, now मूर्ति का हम central figure करेंगे next video में। Thank you so much. Please subscribe.